Hello friends, it's such a pleasure to be back again, bringing another episode on leadership qualities for you. You know, in last 1 month, I've covered many topics for you, which will make you a good leader, which will make you succeed in life. But I thought there are two qualities which I must warn you against. दो ऐसी qualities हैं जिनसे आपने बचना है. तो आज हम बात करेंगे compete and compare. Compete यानी मुकाबला, कंपेयर यानी तुलना करना. ये दोनों की दोनों नेगेटिव क्वालिटीज हैं और इनसे हमने बचना है. खास तौर पे आप लोगों के लिए जो SSB एस्पायरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है कि इन दो बुरी आदतों से हमने बचना है. सो लेट्स टेक देम वन बाय वन. कॉम्पीट, दे से इफ यू कम्पीट विद योर सेल्फ यू बिकम ए बेटर पर्सन, बट इफ यू कम्पीट विद अदर्स यू बिकम ए बेटर पर्सन. बेटर मीन्स कड़वा और बेटर मीन्स अच्छा. तो आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो या एक खराब इंसान बनना चाहते हो, ये चॉइस आपकी है. यू सी, व्हेन यू कम्पीट विद अदर्स यू लूज योर ओरिजिनैलिटी एंड यू डोंट नो व्हाट लाइज विद इन यू. सो इफ यू हैव टू कम्पीट, लेट इट बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. ए हेल्दी कॉम्पिटिशन इज वॉट आई डिस्कस्ड इन माई लास्ट एपिसोड ऑन विन विन, जिसमें हमने बात की थी कोऑपरेशन की. सो इफ यू कोऑपरेट एज अ टीम देन एवरीबडी विंस, बट इफ यू कॉम्पीट विद अदर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विनिंग ईच टाइम ओवर अदर पर्सन, देन इट्स अ नेगेटिव एट्रीब्यूट. सो अवॉइड दिस. सेकेंड इज कंपेरिजन, कंपेयर करना, तुलना करना. कंपेरिजन इज सच अ बैड हैबिट दैट द फर्स्ट थिंग इट डज इज यू लूज योर सेल्फ, यू बिकम इनसिक्योर, यू बिकम हेटफुल, यू बिकम जेलस, यू बिकम एनवियस. आप दूसरों से ईर्ष्या करना शुरू कर देते हो और कब ये घृणा में बदल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा. इसलिए यू शुड नॉट कंपेयर. एवरीबडी इज डिफरेंट. इस दुनिया में जो भी शख्स पैदा हुआ है वो मेंटली, फिजिकली, सोशली, इवन ब्रेन वाइज एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरीवन हैज सम टैलेंट ऑर द अदर. बट द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स यू लूज your originality, and that is why large number of you can't make it to SSB in spite of many chances, because you have lost your originality due to too much of coaching and tutoring. Aap har cheez dusre se puchna chahte ho, kiska maine kya jawab dena, iska maine kaise karna. So avoid this. And khas taur pe hamare middle class families mein comparing has become a huge issue. जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है हम दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं. और कंपैरिजन किस चीज में है, सारी उम्र एक ही मापदंड रहता है, वो है नंबर कितने आए. पहली क्लास के, पहली जमात के बच्चे के आप नंबर दूसरे बच्चों से कंपेयर करना चाहते हैं. ये देखते ही नहीं है कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है, कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है. इवन लेटर व्हेन यू गो टू स्कूल, व्हेन यू गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इवन देयर ये चीज हमारा पीछा नहीं छोड़ती. एंड व्हाट हैपेंस, you become insecure, you become reckless, and when you lose your originality aapne apne aap ko kho diya. isliye main kehta hu agar aapne acha insaan banna hai, look at yourself in the mirror, aap dekhe apne aap ko sheeshe mein and compare kare ki are you better than what you were yesterday and are you a role model for yourself. kya aap acche insaan hain, do you like yourself, that is what is important. aur ye mat socho ki duniya mein khushi, हैप्पीनेस या जॉय बहुत लिमिटेड है. ये धारणा बिल्कुल गलत है. आपको जॉय और हैप्पीनेस इतनी अबंडेंस में है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो. देयरफॉर प्लीज अवॉइड कॉम्पीटिंग एंड कंपेयरिंग विद अदर्स. बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ एंड सी हाउ मच ऑफ हैप्पीनेस इट गिव्स यू. उर्दू की एक नज्म है जो मुझे बहुत पसंद है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता. इसलिए एवरीबडी विल गेट ए शेयर इन लाइफ, शेयर ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, दिस प्रोवाइडेड यू स्टॉप कॉम्पीटिंग एंड कंपेयरिंग. आई एंजॉयड ब्रिंगिंग दिस लिटिल एपिसोड फॉर यू सो दैट दीज टू हैबिट्स यू डोंट कल्टिवेट इन योर लाइफ, यू स्टे अवे फ्रॉम देम एंड कल्टिवेट ओनली पॉजिटिव क्वालिटीज. सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, press the bell button and share it with family and friends, watch it with your parents and see together where have you gone wrong as a family. So we'll meet you again soon. Thank you.
जय हिंद।